नमस्ते, मेरा नाम साम्यराज बनर्जी है और आज जिस विषय में हम बातचीत करने वाले हैं उस विषय में काफी सारे लोग अभी बातचीत करना शुरू कर दिया है। वो विषय है चीन और ताइवान के बीच में जो है युद्ध लगने का परिस्थिति जो है उत्पन्न हो रहा है। चीन हमेशा से ही अपने पड़ोसी मुल्क में जो है इन्वेड किया है। जैसे तिबेट के बारे में हम बात करते हैं कि किस तरीके से तिबेट में जो है चीन ने अपना ऑक्यूपेशन आज भी बनाया हुआ है और किस तरीके से वहां पर बुद्धिस्ट पगोडा को तोड़ा जा रहा है। दलाई लामा जो वहां के जो है एक लामा थे, बुद्धिस्ट का धार्मिक गुरु, वो कैसे भारत में आके जो है अपना जो है शरण ले रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। और हमें ये भी पता है कि किस तरीके से शिनजियांग प्रोविंस में तुर्किश मुसलमान हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है चाइनीज अथॉरिटी के द्वारा, उन्हें जबरदस्ती सुअर का मांस खिलाया जा रहा है। शिनजियांग प्रोविंस में किस तरीके से वीगर मुसलमानों के ऊपर चाइनीज कम्युनिस्ट अथॉरिटी जो है अत्याचार कर रहा है, वो पूरे विश्व पटल में जो है सबके सामने है। वहाँ के जो मुसलमान है उनको जो है नास्तिक बनाने का पूरा कोशिश चाइनीज अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है, वो खबर पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन कुछ इस्लामिक मुल्क जैसे पाकिस्तान जो है इसके बारे में बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि उनके साथ चाइना का बहुत अच्छा दोस्ती है और चाइना के ऊपर जो है उनका पूरा इकोनॉमी डिपेंडेंट है और चाइना से उन्होंने जो है बहुत ज्यादा लोन भी लिया है। चाइना के दूसरे देशों को लोन देना और फिर उस देश के जो इकोनॉमी है इसको तबाह करने का जो सिलसिला है वो श्रीलंका के साथ ही नहीं, काफी सारे अफ्रीकन मुल्कों को भी जो है चाइनीज अथॉरिटी ने टारगेट किया है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो चीन ने जिस तरीके से दूसरे देशों पे ऑक्यूपेशन किया वो सिलसिला फिर से क्या शुरू करने वाला है। जी हाँ, ताइवान के बारे में तो आप जानते ही है, ताइवान के साथ जो चीन का रिश्ता है वो बहुत सालों से खराब है। ऐतिहासिक रूप से चीन और ताइवान के बीच में काफी सारे घटनाक्रम हुआ है जिसके बारे में आम जनता भारत के वो जानकारी नहीं रखते हैं। जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कब्जा किया है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है कुछ नहीं कर पाया है, सिर्फ जो है कुछ सैंक्शन लगाने के सिवाय, जिन सैंक्शन से कुछ नहीं होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में जब से बाइडेन का सरकार आया है तब से लेके वर्ल्ड में बहुत सारे क्राइसिस हो चुका है, जिसमें जो है आपको पता ही है कि किस तरीके से तालिबान ने जो है अफगानिस्तान में अपना सरकार बना लिया, किस तरीके से जो है यूक्रेन को फंसा दिया गया रशिया और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। अमेरिका ने कई बार आश्वासन दिया था यूक्रेन को और नेटो देश ने भी जो है यूक्रेन को आश्वासन दिया था कि वो उनके सहायता करने के लिए आएंगे अगर रशिया उनके ऊपर इन्वेड करता है। लेकिन नेकी और पूछ उन्होंने कोई भी सहायता नहीं किया यूक्रेन को और यूक्रेन जो है अकेला ही जो है इस युद्ध को लड़ रहा है रशिया जैसे बड़े कंट्री के खिलाफ। ठीक वैसा ही जो है ताइवान के साथ जो है हो सकता है, क्योंकि ताइवान के जो अथॉरिटी है उनको ये शक है कि आगामी 2 महीने के अंदर ही जो है चाइना जो है उनके देश इन्वेड कर सकता है। ज्यादातर लोग जो विश्व राजनीति के बारे में जानते हैं वो लोग ये बात जो है कयास लगा रहे हैं कि चीन जो है दोबारा जो है अपना आक्रामक जो रूप है वो सबको दिखाएगा। जिस तरीके से उन्होंने तिबेट को कैप्चर किया, शिनजियांग को कैप्चर किया, उसी तरीके से जो है वो ताइवान को भी बहुत जल्दी जो है कैप्चर कर लेंगे। रशिया जो है उनको मदद कर सकता है और ये सबको मालूम है कि यूनाइटेड नेशन जो है सिर्फ जो है कुछ सैंक्शन लगाएगा चाइना के ऊपर जिससे उनका कुछ नहीं होगा। और चाइना जो है अमेरिका के सैंक्शन से डरता भी नहीं है, क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में जो है ट्रेड वॉर चल रहा था जिसमें जो है अमेरिका ने काफी सारे सैंक्शन चाइना के ऊपर लगाया, फिर भी जो है चाइना का इकोनॉमी को जो है कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पाया अमेरिका ने। अगर आप देखा जाए तो कई तरीके से दुनिया का जो अर्थनीति है वो चीन के ऊपर निर्भरशील है बजाय अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका जो है लार्ज स्केल जो है प्रोडक्शन नहीं करता है किसी भी गुड्स का। एशियाई देश जो है चीन के ऊपर ही निर्भर है अपने अर्थनीति को चलाने के लिए और मजबूती के लिए, जिसमें से पाकिस्तान जो है एक कंट्री है जो पूरी तरीके से चीन के ऊपर निर्भरशील है और वो अमेरिका के ऊपर भी निर्भरशील है। काफी सारे अफ्रीकन मुल्कों में भी जो है चीन ने अपना लोन दिया है। चीन ऐसे करके छोटे कंट्रीज को टारगेट करते हैं अपने लोन के जाल में, ताकि जो है अगर किसी समय वो कंट्री जो है उनका लोन जो है चुका नहीं सके तो उनका कोई पोर्ट या कोई जो संपत्ति है उसको जो है हथियार ले सके चीन और अपने डिफेंस के इस्तेमाल के लिए जो है इन सारे पोर्ट या एयरपोर्ट्स को जो है चीन इस्तेमाल कर सके। तो आज हम अमेरिका और चीन के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम जिस देश के बारे में बात करेंगे वो है ताइवान। और ताइवान के साथ चीन का क्या रिश्ता है, असल में ताइवान के साथ चीन का जो है बहुत गहरा रिश्ता था। असल में ये दोनों कंट्री कभी एक ही हुआ करते थे। चाइनीज भाषा जो है मैंडरिन वो ताइवान में भी बोला जाता है और वो चीन में भी बोला जाता है, दोनों ही तरफ जो है चाइनीज लोग ही रहता है, लेकिन फिर भी ये दोनों अलग देश हैं। ये दोनों अलग देश बना कैसे है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जो है
कहानी है और आज हम वही कहानी आपको सुनाने वाले हैं। ये बात भी मैं आज आपको स्पेकुलेट कर सकता हूँ कि चीन जो है बहुत जल्दी जो है रशिया की तरह ही जो है ताइवान के ऊपर आक्रमण करेगा और अमेरिका जो है सिर्फ उनके ऊपर सैंक्शन लगाएगा। तो आज हम कुछ इतिहास के बारे में बात करेंगे कि जो ताइवान के लोग हैं वो एक्चुअली ऑस्ट्रो एशियन पीपल है जो कि चीन से जो है वो उस द्वीप में आए थे बहुत साल पहले और वहां पर जो है चाइनीज सभ्यता शुरू हुआ था। यांग डायनेस्टी जो चीन का जो एक बहुत बड़ा डायनेस्टी था उसका भी जो है रूल था ताइवान में और दोनों ही देश जो है एक ही हुआ करते थे। ताइवान जो है 1624 से लेकर 1664 तक जो है डच के एम्पायर के रूल में था। उसके बाद जो है ताइवान जो है क्वींस डायनेस्टी द्वारा शासित था। जैसे ही साइनो जापानीज वॉर शुरू हुआ और सिनो जापानीज वॉर में जो है क्वींस डायनेस्टी को जो है ताइवान से पीछे हटना पड़ा और ताइवान में जो है जापानीज रूल शुरू हुआ। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद ही जो है जापान को फिर से जो है ताइवान से जो है अपना पावर जो है वो पीछे ले जाना पड़ा और फिर जो है ये चाइनीज ऑक्यूपेशन के अंदर चला गया। वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो है चाइना ने फिर से जो है जापान से जो है अपना जो ताइवान का टेरिटरी है वो छीन लिया। जापानीज ऑक्यूपेशन से जो है ताइवान जो है चला गया और फिर से वो चाइनीज अथॉरिटी के पास चला आया। रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इस युद्ध में जो है सबसे बड़ा विजेता थे और उन्होंने यूएस और यूके की मदद से जो है जापान को इस युद्ध में हराया था और वहां पर फिर से जो है अपना गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश किया ताइवान पे। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में भले ही जो है ताइवान जो है जापान के हाथ से मुक्त हो चुका था लेकिन चीन भी ज्यादा दिन तक जो है इसको अपने अंडर नहीं रख पाए क्योंकि चाइना में उस समय सिविल वॉर शुरू हो गया था। चिंग काई शेक जो चाइनीज रूलर थे उनको जो है पूरे जो मेनलैंड चाइना है वहां से जो है अपना जो है बुढ़िया बिस्तर जो है उठाकर ताइवान में चले आना पड़ा क्योंकि पूरे चीन में जो है कम्युनिस्टों ने जो है वो सिविल वॉर जो है जीत गया था और जिसके कारण जो है चिंग काई शेक का जो गवर्नमेंट है उसको जो है ताइवान में एस्टेब्लिश किया गया और पूरे जो मेनलैंड चाइना है वहां पर कम्युनिस्ट रूल जो है वो स्थापित हुआ। चिंग काई शेक के जो ट्रूप्स है वो ताइवान तो भाग गए और पूरे जो चाइना है वहां पर जो है माओइस्ट रूल शुरू हो गया और माओ ज़ेडुंग का जो है सरकार जो है वो चीन में बना मेनलैंड चीन में और जो मेनलैंड चीन नहीं है वो अपना एक अलग देश बना वो है ताइवान। हालांकि ताइवान जो है पूरे चीन पर अपना क्लेम करता है और चीन जो है पूरे ताइवान पे अपना क्लेम करता है। चिंग काई शेक के ट्रूप जो है ताइवान भाग गए इसलिए ताइवान जो है मेनलैंड चाइना से अलग हो गया और वहां पर जो है सेपरेट गवर्नमेंट बना जिस गवर्नमेंट को जो है KMT भी कहा जाता है। ताइवान में जो है 1949 को जो है KMTA गवर्नमेंट जो है स्थापित हुआ। 1949 को गवर्नमेंट बनते ना बनते ही कुछ सालों तक डिक्टेटरशिप में जो है चिंग काई शेक के जो सरकार है वहां पर ताइवान में चला लेकिन डेमोक्रेसी का जो है मांग बहुत ज्यादा जो है बढ़ने लगा ताइवान में इसलिए बहुत जल्दी जो है ताइवान एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। प्रेसिडेंट ली तैंग हुई को जो है फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है ताइवान का। उन्होंने ही जो है संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो है निर्माण किया था ताइवान में और जिसके वजह से जो है पहला नॉन KMTA गवर्नमेंट जो है ताइवान में साल 2000 को बना वो भी जनता के द्वारा इलेक्टेड। चीन के साथ ताइवान का रिलेशन जो है 1980s को अच्छे से शुरू हुआ। दोनों कंट्रीज के बीच में जो है बातचीत और डायलॉग शुरू हुए लेकिन चीन ने जो है एक ऑफर जो है ताइवान को किया जिसमें वन कंट्री टू सिस्टम का जो है रूल्स जो है चीन ने जो है ऑफर किया ताइवान को जो कि हांगकांग में चल रहा है आज भी जिसको जो है चाइना ने रिसेंटली अबोलिश किया और खत्म कर दिया। वन कंट्री टू रूल के अनुसार जो है एक ही देश होगा लेकिन दोनों देशों के अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम लागू होगा जो कि थोड़ा सा जो है ताइवान को जो है ऑटोनोमी देगा जिस तरीके से हांगकांग को दिया गया है और मैकाओ को भी चीन में दिया गया है उसी तरीके से ताइवान को भी ऑटोनोमी रूल का ऑफर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि ताइवान को पूरी तरीके से जो है चीन में शामिल करना पड़ेगा उसके बदले जो है ऑटोनोमी दिया जाएगा ताइवान को और जिसके तहत जो है दो गवर्नमेंट सिस्टम होगा एक चीन जो मेनलैंड चीन है उसका एक गवर्नमेंट सिस्टम है जो कि माओइस्ट गवर्नमेंट सिस्टम है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सिस्टम है और ताइवान में जो है डेमोक्रेसी रहेगा लेकिन कंट्री एक होगा। लेकिन ताइवान ने जो है इस ऑफर को जो है सरासर रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि वो एक सेपरेट नेशन है और वो उनके साथ चीन का ताल्लुकात सिर्फ जो है पड़ोसी देश जैसा है लेकिन ताइवान जो है चीन का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। साल 2000 जब ताइवान में पहला इलेक्शन हुआ तब ताइवान में पहला नॉन KMTA गवर्नमेंट जो है गठन हुआ। चीन शाइवेन जो है ताइवान के पहले प्रेसिडेंट बने साल 2000 में और साल 2004 में जो है वो फिर से रिलेक्टेड हुए। उनके फॉरेन पॉलिसी में सरासर जो है चीन के साथ जो है उनका रिश्ता जो है एक नेबरहुड की तरह ही था लेकिन उन्होंने कभी भी जो है चाइना के जो ऑफर्स हैं उनको जो है मान्यता नहीं दिया और उनका खुद का इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी था
और उन्होंने इस बात को जोड़ दिया कि जो ताइवान जो है वो एक सेपरेट कंट्री है और उस सेपरेट कंट्री के तहत उनका एक आर्मी बने और एक कंट्री जो है एक स्ट्रांग होल्ड बने पूरे जो है अपने वर्ल्ड में। और उन्होंने जो है अमेरिका के साथ जो है अपना ताल्लुक जो है अच्छा किया, संबंध जो है अच्छा किया। भले ही ताइवान को सिर्फ 15 ही कंट्री जो है मान्यता देता है यूनाइटेड नेशन में, इसमें यूएसए भी जो है शामिल नहीं है, लेकिन यूएसए ने जो है आर्मी मदद और मिलिट्री मदद जो है हमेशा से ही जो है ताइवान को किया है, ताकि ताइवान जो है मेनलैंड चाइना से जो है अपना ऑक्यूपेशन को जो है वो बचा सके। चीन को ये बात एकदम अच्छा नहीं लगा कि जैसे ही जो है ताइवान में डेमोक्रेसी आया उन्होंने जो है अपना ताल्लुका जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो है मजबूत कर लिया। लेकिन इसमें ताइवान ने जो है अच्छा ही किया, क्योंकि चीन का मंसूबा हमेशा से ही जो है ताइवान के ऊपर खड़ा भी था। जिस तरीके से उन्होंने तिब्बत और शिनजियांग को जो है कैप्चर किया, उसी तरीके से जो है वो लोग ताइवान को भी कैप्चर करना चाहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण जो है और खासकर यूनाइटेड स्टेट्स का जो है सपोर्ट के कारण जो है चीन आज तक जो है ताइवान के ऊपर जो है ऑक्यूपेशन नहीं कर पाया। 2004 में जो है चीन शाइवेन जो है रीइलेक्ट हुए और उनका जो फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट रहा, वो चीन के थ्रू जो है कैरी ऑन नहीं रहा। उन्होंने जो है अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाया और जो अमेरिका के साथ जो है अपना ताल्लुका जो है उसको और ज्यादा मजबूत किया। मिस्टर चीन को रिप्लेस किया मा यांग जियू ने 2008 के इलेक्शन में। उन्होंने जो है अपना फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा सा डिफरेंस लाया, उन्होंने चीन के साथ जो है अपना करीबी जो है और ज्यादा बढ़ाया, अपने ट्रेड पॉलिसी में जो है चीन को ज्यादा जो है मान्यता दिया। उन्होंने काफी ज्यादा जो है ट्रेड जो है चीन के साथ जो है इंक्रीज किया और चाइना के साथ जो है संबंध जो है ताइवान का वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। अभी करंट जो गवर्नमेंट है वो 2016 में जो है बना। अभी जो मौजूदा प्रेसिडेंट है साई विंग बेंग, जो एक महिला प्रेसिडेंट है, उनका जो है ताल्लुका चीन के साथ खराब है। उनका जो है स्ट्रिक्ट फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट है और वो जो है कभी भी चाइना के ऊपर निर्भर रहना नहीं चाहते। और चाइना का इंटेंशन यही है अभी वो किसी भी तरीके से ताइवान पे कैप्चर करे, चाहे वो जो है उसके लिए जो है उनको वॉर में भी जाना पड़े, फुल फ्लेज्ड वॉर में भी जाना पड़े, तो वो जाने के लिए तैयार है। लेकिन ताइवान का जो गवर्नमेंट है उसके साथ हमेशा से ही जो है अच्छा रिश्ता रहा यूनाइटेड स्टेट्स का। अगर चीन किसी भी हालत में अगर ताइवान के ऊपर आक्रमण करना चाहेगा तो क्या अमेरिका का मुंह बंद रहेगा, जिस तरीके से उन्होंने जो है यूक्रेन के साथ किया कि जैसे ही यूक्रेन पे जो है रशिया ने जो है आक्रमण किया, बस उन्होंने सैंक्शन लगा दिया और सैंक्शन के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और सैंक्शन से जो है रशिया भी नहीं डरता है, चाइना भी नहीं डरता है, क्योंकि चाइना का इकोनॉमी जो है काफी ज्यादा मजबूत है। अमेरिका का सैंक्शन लगाने से जो है चाइना के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ताइवान जैसे कंट्री अगर उनके ऑक्यूपेशन में आ जाए तब तो चीन की इकोनॉमी को जो है बहुत ज्यादा जो है बढ़ोतरी मिलेगा। ताइवान के एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं कि वो कम्प्लीटली एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, भले ही जो है यूनाइटेड नेशन में जो है उनको मान्यता नहीं मिला है। काफी सारे देश जो है उनको जो है आज भी मान्यता नहीं देते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है और भारत भी शामिल है। लेकिन ताइवान एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसका 3 लाख से भी ज्यादा जो है सैनिक है, ट्रूप्स है, अलग एडमिनिस्ट्रेशन है, अलग गवर्नमेंट सिस्टम है, और जनता भी जो है उस कंट्री को जो है एक्सेप्ट करता है और अपने ताइवानीज होने पर जो है गर्व महसूस करता है। भले ही जो है दोनों ही देश में, चाहे मेनलैंड चाइना हो चाहे ताइवान हो, दोनों ही देश में जो है चाइनीज लोग रहते हैं। ताइवान के लोग जो है अपने आप को ताइवानीज कहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि चाइना में जो है डिक्टेटरशिप है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन ताइवान जो है काफी इंडिपेंडेंट कंट्री है, वहां पर जो है गूगल है, वहां पर जो है सारे जितने सारे इंटरनेशनल कंपनीज है वहां पर है, चलता है आसानी से, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है उन कंट्री में, और आजादी है, खुल के जो है अपना जो है व्यू पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, एक अच्छा डेमोक्रेसी है जहां पर होमोसेक्सुअलिटी भी लीगल है, क्योंकि चाइना जैसे कंट्री से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ताइवान एक ऐसा कंट्री है जो कि ट्रू डेमोक्रेसी का एग्जांपल है, वर्ल्ड में सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री में भी जो है ताइवान को गिना जाता है, और हमेशा हर चीज में, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे किसी भी क्षेत्रफल में जो है ताइवान बड़े बड़े देशों से जो है आगे है। छोटा कंट्री, छोटा आइलैंड देश होने के बावजूद भी, पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी जो है ताइवान जो है टॉप 20 में आता है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड में। तो ये एक मजबूत कंट्री है और हमें ताइवान से काफी कुछ सीखना चाहिए। छोटा देश होने के बावजूद भी काफी सारे देश जो है उनको मान्यता नहीं देता है, आज भी उसको चाइना के अंडर जो है माना जाता है काफी सारे देशों के द्वारा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इतना ग्रो किया। ताइवान जो है अपने मिलिट्री हो या अपने नेवी हो, उसके ऊपर जो है थोड़ा सा अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है खुल के जो है ताइवान को सपोर्ट करता है, मिलिट्री पर्सपेक्टिव हो या ट्रूप्स के पर्सपेक्टिव हो या नेवी के पर्सपेक्टिव हो, यूनाइटेड स्टेट्स जो है हमेशा से ही जो है ताइवान को जो है वेपन जो है प्रोवाइड करते आया है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का जो है चाइना के साथ जो है बहुत बड़ा जो है मार्केट शेयर करता है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है बहुत ज्यादा ट्रेड चीन के साथ करता है, चाहे कितना भी ट्रेड वॉर हो दोनों कंट्री के बीच में, दोनों कंट्री को एक दूसरे का जरूरत है। इसलिए दोनों सरकार के साथ, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बने रहे, इसलिए अमेरिका ने आज भी ताइवान को मान्यता नहीं दिया है। लेकिन फिर भी वो जो है
हमेशा प्रोटेक्ट करता है ताइवान को। किसी भी समय जो है चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का जो है मूड चेंज हो सकता है और वो जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है अभी ताइवान को कैप्चर किया जा सके, क्योंकि चाइना को लगा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है यूक्रेन जैसे कंट्री को बचाने के लिए नहीं आया, जबकि यूक्रेन जो है नेटो में शामिल होना चाहता था। यूक्रेन जो है यूरोप के जो सेफ्टी है उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। यूक्रेन का इकोनॉमी अच्छा है, एक फुल फ्लेज्ड कंट्री है जिसको पूरे दुनिया मान्यता देता है, जिसका यूनाइटेड नेशन में एक बहुत बड़ा सीट भी है। उस कंट्री को जो है बड़े कंट्री जिसको ऑक्यूपेशन करने के लिए रशिया आया और जो नेटो में शामिल होना चाहता था, जो नेटो देश का ही जो है एक समूह बनना चाहता था, रशिया जैसे ही उस देश पे आक्रमण किया, यूनाइटेड नेशन में जो है सिर्फ रशिया के ऊपर निंदा प्रस्ताव करवाया गया अमेरिका के द्वारा, और नेटो देशों ने जो है 3-4 रेस्ट्रिक्शन जो है रशिया के ऊपर लगाने के सिवाय कुछ नहीं किया। यूक्रेन जैसा देश जो है आज बहुत ही बुरा परिस्थिति में जी रहा है, काफी सारे लोगों का जाने जा रहा है और पूरा देश जो है तबाह हो रहा है। यूएसए ने जो है यूक्रेन को बचाने के लिए जो है अपने आप को जो है एलेज नहीं किया। तो ताइवान की सरकार को भी लग रहा है कि अगर चाइना जो है कभी भी उनके देश में आक्रमण करने के लिए जो है इनिशिएटिव ले तो अमेरिका जो है सैंक्शन के अलावा और कुछ नहीं करेगा। 2021 में जो है एक ओपिनियन पोल हुआ था ताइवान में, जिस ओपिनियन पोल के तहत जो है ज्यादातर ताइवानीज पीपल जो है वो जो है डेमोक्रेसी चाहते हैं ताइवान में, जो है DDP गवर्नमेंट को फिर से चाहते हैं ताइवान में ताकि वो वापसी करे। ज्यादातर ताइवानीज चाहते हैं कि उनका कंट्री एक सोवरेन कंट्री बने, एक पावरफुल कंट्री बने और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, उनको जो है चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ताइवान का जो इकोनॉमी है कई हद तक जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए जो है ज्यादातर जो ताइवानीज पीपल है वो लोग चाहते हैं कि उनका जो इकोनॉमी है वो सेल्फ सफिशियंट बने ताकि वो चीन के ऊपर निर्भरशील ना रहे। इस इलेक्शन में ये पता चला कि ताइवान के लोग जो है अपने आप को चाइनीज नहीं मानते, बल्कि वो अपने आप को ताइवानीज मानना ज्यादा पसंद करते हैं, भले ही जो है दोनों देशों में एक ही भाषा बोला जाता हो। चीन ने जो है अपने देश में 2-3 महीने का मार्केटिंग करके रखने के लिए कहा है आम जनता को, क्योंकि फुल फ्लेज्ड वॉर के लिए जो है चाइना जो है अपने आप को तैयार कर रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि कंट्री चाहे जितना भी छोटा हो, जैसे यूक्रेन एक कंट्री छोटा है लेकिन आज भी जो है वो रशिया के सामने हार नहीं माना है। युद्ध कंटिन्यू हो रहा है, भले ही यूक्रेन तबाह हो रहा है लेकिन आज भी रशिया जो है यूक्रेन को जो है कैप्चर नहीं कर पाया, इसलिए ताइवान को भी कैप्चर करना चीन के लिए उतना आसान नहीं होगा, भले ही वो एक शक्तिशाली कंट्री हो। और उनको ये भी पता है कि अमेरिका से जो है काफी सारा इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन जो है वो मिल सकता है चीन को, काफी सारे देश जो है चीन के ऊपर जो है आर्थिक पाबंदी लगा सकता है इस युद्ध में जाने के लिए और ताइवान को कैप्चर करने के लिए। इसलिए उन्होंने जो है पहले से ही अपने जनता को 2-3 महीने का राशन जो है वो बनाए रखने के लिए कह दिया है, ताकि अगर युद्ध का परिस्थिति हो किसी को कोई जो है राशन और दाना पानी का प्रॉब्लम ना हो। चीन ने जो है फुल फ्लेज्ड वॉर के लिए जो है अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है, और यूएसए जो है आज भी जो है अपने कान में तेल लगाकर बैठा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन में युद्ध हुआ और रशिया ने यूक्रेन को तबाह कर दिया, उसी तरीके से ताइवान में भी जो है बहुत जल्दी चीन ऑक्यूपेशन कर सकता है। और आप देख सकते हैं काफी सारे देश जो है ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज जो है चीन के ऊपर जो है काफी सारा सैंक्शन लगाएगा और फिर मुंह बंद कर लेगा, जिस तरीके से यूक्रेन के साथ हुआ है, बहुत जल्दी जो है ताइवान का परिस्थिति वैसा ही हो सकता है। हम युद्ध को समर्थन नहीं करते, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी सोवरनेट कंट्री में जो है कोई बड़ा देश ऑक्यूपेशन करे और वहाँ के आम जनता को जो है कष्ट दे, उनका मौत की घाट उतर दे, वहाँ के आम जनता को जो हत्याएं करे और उनके ऊपर अत्याचार करे और उनके ऊपर जबरदस्ती शासन करने का इच्छा रखे। हर देश के लोगों के लिए अपना देश प्रिय होता है, चाहे वो देश छोटा हो चाहे वो देश बड़ा हो, अपना देश के लिए प्रेम हर व्यक्ति को होता है। इसलिए किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करके उस देश को हथिया लेना ये सरासर अन्याय है, और हमें लगता है कि चीन को इस तरीके का डिसीजन जो है लेना नहीं चाहिए। हालांकि फ्यूचर के बारे में किसी को पता नहीं, चीन जिस तरीके का रवैया रखता है दूसरे देशों के ऊपर वो हम सबको पता है। चीन ज्यादातर देशों के साथ ही जो है बॉर्डर डिस्प्यूट रखता है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के ज्यादातर कंट्री, चाहे इंडिया हो चाहे नेपाल हो भूटान हो या कोई भी देश हो, मंगोलिया हो या तजाकिस्तान हो, हर देश के साथ जो है उनका बॉर्डर डिस्प्यूट है। इसका मतलब वो अपने आप को एक्सपांड करना चाहता है, वो किसी दूसरे देश को जो है सम्मान नहीं करता है, इसके जो इंडिपेंडेंस को जो है खतरा हमेशा ही जो है चीन से रहता है। अगर आपको मेरा आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपना जो व्यू पॉइंट है वो जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि पता चले कि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं वो क्या हो सकता है। धन्यवाद और शुभ दिन।